दोस्तों इस वीडियो के अंदर टोटल चार शेयर्स को कवर करने वाले हैं, इंफोसिस लिमिटेड, कॉल इंडिया लिमिटेड, ट्राइडेंट लिमिटेड और साथ ही साथ बात करने वाले हैं LIC IPO के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफोसिस लिमिटेड के बारे में, जहां पर आज के दिन आपको मार्केट में हो रही गिरावट के चलते इंफोसिस के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लगभग 1% तक के करेक्शन इंफोसिस के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो न्यूज इंफोसिस के शेयर होल्डर्स के लिए निकल कर आई है, कह सकते हैं काफी पॉजिटिव न्यूज है। और ग्लोबल मार्केट में जब जो ये क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर की सिचुएशंस बनी हुई है, ये जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तब आपको IT सेक्टर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकता है। इस गिरावट में आपके पास एक मौका बन रहा है इंफोसिस जैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। बात करें सबसे पहली अनाउंसमेंट के बारे में, तो यहां पर इंफोसिस ने एक और बड़ी पार्टनरशिप यहां पर करी है आज ही के दिन, जिसमें आप देख सकते हैं गाइडवायर अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे दैट इंफोसिस हैज जॉइंड गाइडवायर पार्टनर कनेक्ट एज अ कंसल्टिंग एलियंस मेंबर एट द सिलेक्ट लेवल ऑफ द अमेरिकास। तो यहां पर गाइडवायर और साथ ही साथ इंफोसिस के बीच में हमें शानदार कोलैबोरेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली जो इंफोसिस है वो इन्हें कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है और इसका बेनिफिट इंफोसिस को काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। वहीं अगली अपडेट की बात करें तो ये न्यूज़ भी आज ही के दिन निकल कर आई है, जिसमें HDFC बैंक, इंफोसिस और इसी के साथ 5 और मेजर शेयर्स को यहाँ पर आज के दिन ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के अंदर इंक्लूड किया गया है जनवरी मंथ में। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के डाटा रिलीज हुए हैं, जिसमें इंफोसिस लिमिटेड का भी नाम हमें इंक्लूड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं जिन 5 कंपनियों को ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के अंदर जगह मिली है, उसमें HDFC बैंक, HDFC, इंफोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री और HCL टेक्नोलॉजीज के नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी बड़ा इन्फ्लो अब हमें इन शेयर्स के अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है और इंफोसिस लिमिटेड को भी इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वहीं अगली अपडेट्स की बात करें जो इंफोसिस की तरफ से निकल कर आई है, इंफोसिस ने लगभग 55,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए यहां पर वैकेंसी निकाली है और इंफोसिस के CEO सलील पारेख की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है। अब बात करें कि इससे इंफोसिस के शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, इंफोसिस कंटिन्यूसली अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, जिस कारण से उनको काफ़ी कुछ वर्क फोर्स की ज़रूरत है और उसी को लेकर यहाँ पर इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट आते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का अचीवमेंट बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से एक्सपांड करना चाहती है, इसी को लेकर ये रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपने इंफोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड करते हुए चल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं आज की अनदर सबसे बड़ी अपडेट्स के बारे में, LIC के IPO के बारे में। जी हाँ दोस्तों, LIC का IPO जो कि इंडिया का सबसे बड़ा IPO हमें यहाँ पर लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है, जिसकी डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 मार्च निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कन्फर्म डेट तो अभी तक निकल कर नहीं आई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि 11 मार्च को आपको LIC का IPO आते हुए देखने को मिल सकता है। इंडिया का सबसे बड़ा IPO ये होने वाला है। आप देख सकते हैं आज ही के दिन ये रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसमें LIC का IPO, जिसमें कंपनी लगभग $8 बिलियन की फंड रेजिंग करेगी। और इस न्यूज़ से जिन 2 शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, उसमें पहले नंबर का शेयर है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर लगभग 2.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन LIC के IPO के आने से इस कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये शेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिए हैं, जहां पर कंपनी के नेट प्रॉफिट और कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जिस अगले शेयर्स को LIC के IPO के आने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है वो है CDSL। जी हाँ दोस्तों, जो नंबर ऑफ डीमैट्स अकाउंट है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमें ओपन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट इस डिपॉजिटरी फर्म को सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। आज ही के दिन CDSL को ASM लिस्ट से भी फुल्ली एग्जिट कर दिया गया है, तो मंडे के दिन यहाँ पर भी आपको नज़र बनाए रखनी है। इस शेयर्स के अंदर भी आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। CDSL के भी फाइनेंशियल रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं, और यहाँ पर भी आप खरीदारी करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्पज से इस शेयर्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं।
दोस्त बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड जहां पर कंटिन्यूसली हमें फॉलिंग देखने को मिल रही है या कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन इस गिरावट के बीच में क्या स्ट्रेटेजी आपको लेकर चलना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ट्राइडेंट के फाइनेंशियल नंबर्स तो हम देख ही चुके हैं, कंपनी काफ़ी अच्छे मुनाफे में भी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स अभी बिल्कुल भी फेवर में जाते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। यानी कि वीकेंड में अगर कोई न्यूज़ निकल आती है तो अगेन हमें मंडे के दिन भी पूरे मार्केट के ऊपर उसका प्रेशर देखने को मिल सकता है, और मार्केट का प्रेशर सबसे ज्यादा हमें स्मॉल कैप शेयर्स के ऊपर और मिड कैप शेयर्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड जैसा कि आपको पता है कि मिड कैप कंपनी है, यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है, तो आपको लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहां पर आप नेक्स्ट सपोर्ट जो इसका बन रहा है वो 48 रुपीज़ का, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अगर ये शेयर्स आपको नीचे के लेवल पर भी मिलता है तो आप यहाँ पर अपने एवरेज को बेटर कर सकते हैं। हालांकि इसका जो मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 48 रुपीज़ का, उसको आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। आज ही के दिन आई ASM लिस्ट की रिपोर्ट के अंदर ट्राइडेंट लिमिटेड को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है, तो ये चीज़ भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है कॉल इंडिया लिमिटेड। जहां एक तरफ मार्केट के अंदर आपको आज के दिन गिरावट देखने को मिल रही थी, वहीं सिर्फ इसी शेयर्स के अंदर यानी कि कॉल इंडिया लिमिटेड के अंदर ये आपको 2.5% तक के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कॉल इंडिया लिमिटेड को लेकर आई रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज, हमेशा से मैंने कहा है कि यदि आप किसी डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि आपको रिटर्न्स दे ना दे, हर साल डिविडेंड काफ़ी अच्छा दे, तो यहां पर आप कॉल इंडिया लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए चल सकते हैं। कंपनी हर साल डिविडेंड से ही 10.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे देती है, यानी कि एक FD के इससे भी ज़्यादा के रिटर्न्स हमें सिर्फ यहाँ पर अपनी पोजीशंस को होल्ड करने से मिल जाते हैं। वहीं अगर हम दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट की भी बात करें तो कॉल इंडिया लिमिटेड के रिजल्ट भी बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं। आज के दिन सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से कॉल इंडिया लिमिटेड को लेकर नए टारगेट प्राइस दिए गए हैं, 252 रुपये के टारगेट प्राइस यहां पर सेट किए गए हैं। और आज के दिन आई एक और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कॉल इंडिया लिमिटेड के अंदर जो क्वार्टर फोर्स के नंबर्स आने वाले हैं यानी कि जो मार्च क्वार्टर्स के नंबर्स आएंगे उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें इनके प्रॉफिट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी ने जो अभी रिसेंटली जो यहाँ पर ई ऑक्शन प्रीमियम्स करी है उसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और कॉल इंडिया लिमिटेड जो अपने 100% मार्क को भी यहाँ पर बीट कर चुका है जनवरी और फरवरी मंथ में, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें क्वार्टर फोर के अंदर देखने को मिलने वाला है। यदि आपने कॉल इंडिया लिमिटेड के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड करते हुए चल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।